चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। होली के मौके पर रिलीज हुई क्रैक फाइटर ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ तबाही करना शुरू कर दिया है। जी हां, 21 मार्च को होली के मौके पर पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर रिलीज किया गया और फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस किया है। आपको बता दें कि बिहार झारखंड में क्रैक फाइटर का जलवा बखूबी चल रहा है और सभी सिनेमाघरों में फिल्म का हाउस बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने पहले और दूसरे दिन का कलेक्शन क्या क्या होगा। आपको बता दें कि हालांकि क्रैक फाइटर के फिल्म के निर्माता या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया है कि फिल्म ने पहले और दूसरे दिन का कलेक्शन क्या किया होगा, लेकिन जिस तरीके से सिनेमाघरों में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा उससे और मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म ने पहले दिन करीब 15 से 20 लाख रुपए का कमाई किया तो वहीं दूसरे दिन यह भी कलेक्शन इतने के आसपास ही रहा। जी हां, कुल मिलाकर दो दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 25 से 30 लाख का बिजनेस कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि यह ऑफिशियली कलेक्शन डेटा नहीं है। क्रैक फाइटर में पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके बॉलीवुड विलन प्रदीप रावत पहली बार भोजपुरी फिल्म में नजर आते हैं जो पवन सिंह के साथ जोरदार एक्शन सीन और डायलॉग संवाद पर भोजपुरी दर्शक जमकर लुत्फ उठाते हुए सिनेमा घरों में नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पवन सिंह का धमाकेदार फिल्म क्रैक फाइटर नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर फिल्म को जरूर देखें और जिन लोगों ने क्रैक फाइटर देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज क्रैक फाइटर में कैसा लग रहा है। और करीब 3 साल के बाद पवन सिंह निधि झा लुलिया के साथ जोरदार रोमांस करते हुए इस फिल्म में नजर आते हैं जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है।